212 बच्चे नामांकित हैं जिन्हें मिड डे मील से वंचित किया जा रहा है। रुकमणी के पास कोई आजीविका का साधन नहीं है जो अपने बच्चे को पढ़ा सके। वो इसलिए स्कूल में खाना बनाने का काम करती हैं और उसी के सहारे बच्चे की पढ़ाई और आजीविका देखती हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय भित्रीडीह के प्रधानाध्यापक हैं। खाना स्कूल में बनता है? खाना तो नहीं बन रहा है, पहले जुलाई से नहीं बन रहा है। गांव की कुछ समस्या है स्कूल से लेके, क्या आपके नॉलेज में है? हाँ, स्कूल में भोजन नहीं बन रहा है, ये एक समस्या है। इसका कारण यह है कि टीचर लोग कुछ निर्णय लिए थे जो निर्णय समिति के साथ बैठकर लेना चाहिए था। ये लोग बिना समिति बुलाए निर्णय लेकर काम कर रहे थे। शिक्षा विभाग भी इसके लिए जिम्मेदार है। शिक्षा विभाग कभी कभी जो है सूची नहीं भेजता है कि इस विद्यालय को कितना MDM का राशन आवंटित होना है, इससे गोदाम पर राशन नहीं मिलता। कभी कभी तो हम लोग घर से खिला देते हैं, दो चार बोरी गेहूँ चावल घर से चला जाता है, लेकिन उसका भी रिटर्न नहीं मिलता। जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम भित्रीडीह में जब मैं शोध करने गई तो मुझे मुद्दा मिला, स्कूल में बच्चों का दोपहर का भोजन नहीं बनता था, जिसमें 212 बच्चों का हक मारा जा रहा था। और मैं प्रयास करते करते मैं वीडियो बनाने का काम की, तो मैं जुलाई 2013 में वीडियो बनाई और उसके एक महीना बाद तुरंत 1 अगस्त से खाना बनने शुरू हो गया। 200 बच्चे का खाना प्राप्त हो रहा, शिक्षा भी प्राप्त हो रही है। जब आप वीडियो खींच कर ले गए थे तभी से खाना बन रहा है गुरुजी, स्कूल में खाना बनने लगा। हाँ, स्कूल जब आप आए थे, वीडियो ग्राफिक करके ले गई थी, उसके बाद से भोजन बनना शुरू हुआ। हमने प्रधान से और कोटेदार से बात किया और लगातार भोजन बन रहा तब से, और बच्चे खूब खा रहे हैं प्रेम से और कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों का हक अधिकार माना जाए, बच्चों को उनका हक अधिकार मिले। पिछली बार आप आई थी, वीडियो बनाकर ले गई थी, तो उसके बाद जो है हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए हेडमास्टर को बुलवाए, कोटेदार को बुलवाए, सभी भंडारी लोगों को बुलवाए और बातचीत किए, सब व्यवस्था किए, राशन को रिसीव किए और स्कूल में खाना बनवाना शुरू कर दिए। हम भी नहीं चाहते किसी बच्चे का अधिकार मारा जाए, उनका हक मारा जाए, और अब खाना प्रतिदिन बन रहा है, 212 बच्चे पर डे भोजन ले रहे हैं। मैं चाहती हूं कि जैसे मैं भित्रीडीह ग्राम पंचायत में वीडियो बनाई और मैं बदलाव ला सकी, वैसे ही ग्राम स्तर पर हर पंचायत में मुद्दे के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा, तभी बदलाव आएगा। और मैं बदलाव ला पाई, सफल रही मैं गायत्री इंडिया अनहट के लिए।